आज मैं बना रही हूँ छत्तीसगढ़ी डिश। तो पहले लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर और कद्दू कट कर लेती हूँ। कद्दू को बहुत बड़े बड़े क्यूब्स में काटी हूँ मैं, स्क्वायर्स के रूप में। अब कद्दू को पहले फ्राई करके निकाल लूँगी। ये छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस रेसिपी है, खट्टा सब्जी। कद्दू दही में बनाते हैं, तो कद्दू को पहले मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। खाली राई का तड़का दे के थोड़ा नमक और हल्दी डाल दूँगी, जिससे कद्दू जो है पक जाएगा जल्दी। वैसे कद्दू बहुत जल्दी पक जाता है, फिर भी मैं इसको जल्दी कुक करना है तो मैं इसमें थोड़ा नमक डाल देती हूँ, तो जल्दी कुक हो जाएगा। अब कद्दू को मैं क्या फ्राई करके बाहर निकाल लूँगी। 3 से 4 मिनट के बाद जो है कद्दू जो है कुक हो जाएगा, तो मैं उसको बॉल में निकाल लूँगी। कद्दू पक गया है, अब उसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ बॉल में। अब जो है तड़का दे दूँगी मैं यहाँ पे लहसुन का। जब लहसुन जब थोड़ा रेड हो जाएगा तब मैं उसमें डाल दूँगी हरी मिर्ची और टमाटर, और टमाटर को अच्छे से कुक कर लूँगी। यहाँ पे मैं कोई गरम मसाले यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, है बस थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। जब तक टमाटर कुक होता है तब तक मैं दही और हल्का सा बेसन जो है चॉपर में उसको फेंट लेती हूँ अच्छे से। थोड़ा कड़ी पत्ता डाल दूँगी, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है कड़ी पत्ता डालने से। जब टमाटर जब कुक हो जाएगा तो उसमें जो सारा फेंटा हुआ जो दही है वो ऐड कर दूँगी मैं। पहले कुमड़ा ऐड कर देती हूँ, उसके बाद मैं उसमें जो है दही डाल दूँगी और उसको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से कुक होने दूँगी, क्योंकि जब तक दही पकता नहीं है तो खाने में अच्छा नहीं लगता। तो 10 से 15 मिनट तक मैं उसको बॉईल होने देती हूँ और लास्ट में धनिया पत्ती से गार्निश कर दूँगी और गर्मा गर्म सर्व करूँगी चावल के साथ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।